हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिफ्टी टेक ट्रैवल। आज हम इधर बात करेंगे मिथेज स्टेटमेंट के बारे में। बहुत सारे मेरा एक दोस्त कमेंट में पूछा था मिथेज स्टेटमेंट के बारे में भी वीडियो डालना है, इसके लिए हम लोग मिथेज स्टेटमेंट का एक वीडियो बनाया आज। तो कोई भी नया आदमी अपना वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू आवर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर सेफ्टी फैमिली। बस तो देखेंगे मिथेज स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ होता है। मिथेज स्टेटमेंट इज ए डॉक्यूमेंट है अपने साइट के लिए, कोई भी एक कंसेशन काम। मैं ये एग्जाम्पल के लिए कंसेशन ऑफ साइट फंड्स, एक काम शुरू होने से पहले अपने स्टेप बाय स्टेप मेथड होना है वो काम के लिए, उसी को बोलते हैं मिथेज स्टेटमेंट। एक काम कंप्लीट करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड इसमें ये डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया हुआ है। सो हम डिटेल देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होता है, एक मिथेज स्टेटमेंट में क्या क्या जानकारी हमको ले सकते हैं। तो एक बेसिक मिथेज स्टेटमेंट है। नॉर्मली हम पहले एक जैसे बारे में बात किया था, तो सबसे पहले हम काम का मिथेज स्टेटमेंट बनता है, इसको अटैच करके रिस्क असेसमेंट बनता है। रिस्क असेसमेंट दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे रिस्क असेसमेंट बनता है। तो मिथेज स्टेटमेंट सबमिट करते हुए उसका अटैचमेंट रिस्क असेसमेंट भी होता है, तो सेम काम के लिए रिस्क असेसमेंट भी बनता है। ये दोनों हम रिव्यू करते हैं, सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए। तो रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट अप्रूव होने के बाद में हम बनता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस वीडियो हम पहले बना चुका है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लेना कैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस रिव्यू करना है, कौन बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, वो वीडियो में लिखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे मेथड स्टेटमेंट के बारे में। तो ये फॉर्मेट है, कई कंपनी को अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करता होगा, तो ये एक फॉर्मेट मैं सैम्पल के लिए लिया है। तो यहाँ हमको लोगो लिखना है, इधर कंपनी का नाम, तो मिथेज स्टेटमेंट फॉर कंसेशन ऑफ फेंस। एक फेंस बनाने के लिए मिथेज स्टेटमेंट हमने इधर लिया है। तो प्रोजेक्ट नंबर एंड क्लाइंट रेफरेंस नंबर, एक तरह से क्लाइंट रेफरेंस कोड नंबर यू कैन राइट हियर। तो फॉर्म रेफरेंस नंबर, इच कंपनी को प्रोजेक्ट फॉर्म क्रिएट करने से पहले फॉर्म नंबर रहेगा, जैसा पी एस बी F01 समथिंग द फॉर्म लिस्ट में फॉर्म कोड रहता है। तो सीरियल नंबर जब ये जॉब सेव मेथड स्टेटमेंट हम बनाया था, ये मेथड स्टेटमेंट अब जिस दिन बनाया था उसको डेट हम रिवर्स कर रहे हैं, 2020-05-01। हाउ मेनी पेजेस, 1 to 50 पेजेस हम लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट का नाम, आपको प्रोजेक्ट का नाम लिख सकता है। तो टॉपिक मेथड स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस, ये एक सैम्पल लिया है, आपको जो भी काम के लिए फिर लिख सकता है यहाँ किसके लिए मेथड स्टेटमेंट बनाया। तो यहाँ फेंस का कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया हमने। इधर कंपनी का नाम लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, तो इधर रेफरेंस नंबर होता है। डिस्क्लेमर रिव्यू, डॉक्यूमेंट रिव्यू का डेट इशूड फॉर अप्रूवल, तो प्रिपेयर्ड बाई कई कंपनी को क्वालिटी डिपार्टमेंट बनता है, कई कंपनी को कंस्ट्रक्शन टीम बनता है, टेक्निकल टीम प्रिपेयर किया जाता है मेथड स्टेटमेंट, और सेकंड रिव्यू के लिए जाता है सेफ्टी में, और इसको क्वालिटी रिविजन भी आता है। इधर एक कॉलम ऐड कर सकते हैं आपको क्वालिटी डिविजन, क्वालिटी डिपार्टमेंट मैनेजर को अब रिव्यू करने के लिए, और जो बना रहे क्वालिटी डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अप्रूव बाई प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सेकेंड अप्रूवल बाई क्लाइंट, अगर इनकेस आपको क्लाइंट का अप्रूवल चाहिए तो उधर क्लाइंट लिख सकते हैं। तो डिटेल्स, सो सेकंड पेज में जाएंगे, सेकंड पेज में रिवीजन है। अगर हम मेथड स्टेटमेंट रिवीजन किसके लिए, हम लोग मेथड स्टेटमेंट अगर सबमिट किया, अगर आप इंटरनल रिव्यूज नहीं है सेफ्टी डिपार्टमेंट उसका रिव्यूज नहीं है, हम क्लाइंट को सबमिट किया ये डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए, वहाँ हम इश्यू डेट में रिवीजन 1.0 हम सबमिट किया, फिर कमेंट के साथ में वापस आया, उसको अप्रूवल नहीं किया और कुछ रेक्टिफिकेशन में कुछ कमेंट्स करके रिटर्न भेजा, करेक्टिफिकेशन के लिए हम भेजा, तो हम वो करेक्टिफिकेशन रिवाइज करके बनना है। तो 0 हम पहले सबमिट किया फॉर अप्रूवल, सबमिट फॉर अप्रूवल, सो सेकंड सबमिशन आएगा 01। तो वो जो क्लाइंट हमको कमेंट डाल के वापस भेजा था, हम वो कमेंट रेक्टिफाई करना है, कुछ भी क्या कमेंट डाला था उसको रेक्टिफाई करना है और उधर कुछ क्लैरिफिकेशन लिखना है, फिर री इश्यू डेट सेकंड इश्यू डेट में लिखना है। यहाँ फॉर एग्जांपल 5 मई 20
सेकंड में चेंजेस, इसमें क्या रिकमेंडेशन चेंजेस किया था, अगर वो लोग ने 4-5 पॉइंट लिखा है तो इधर 1-2-3 पॉइंट लिखा सकते हैं, अगर कुछ रेफरेंस नंबर है 1-2-3 सीरियल नंबर में ऐड कर सकते हैं, क्या हम चेंजेस बनाया, तो दूसरा कोई भी आदमी देखने के टाइम में बना सकते हैं क्या चेंजेस, हर टाइम में क्या रिविजन इसमें बनाया था। तो कई कंपनी इधर में दूसरा टेक्निक यूज़ करता है, कुछ लेबल और सिंबल बनाता है, कैसे कौन सा पॉइंट हम रिवाइज किया, उधर एक एग्जांपल में बताता हूँ, एक शेप्स का कुछ ऐसा ऐसा शेप का एक ऐड करता है, अगर कुछ ऐसा पॉइंट हम एडिट किया, इधर एक ऐसा पॉइंट बना के मार्किंग कर जाता है, क्योंकि वो एडिक्शन मन से जिधर एडिट किया वो पॉइंट बताने के लिए 0-1 रिविजन। तो अलग अलग आपको जो लगता है उधर आपको ले सकते हैं 0-1 एडिशन। तो सेकंड एडिशन में 0-2 एडिशन में ऐसा मार्किंग किया जाए, जहाँ जहाँ हम लोग एडिट किया नीचे वाला पेज में, जहाँ जहाँ हम लोग एडिट किया उधर ऐसा मार्किंग लेके रखता है, ऐसा हम सोचो इसमें सो इधर एक सेक्शन में हमने एडिट किया तो इधर हम लोग एक एडिट किया, यहाँ हम लोग पेश करते हैं तो यहाँ एक 0-1 डालते हैं, तो 0-1 एडिशन में हेलो इधर एडिशन किया। कई कंपनी ऐसा फॉलो कर रहे हैं, कई कंपनी को जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिखता है, इधर डिस्क्रिप्शन में लिखता है क्या एडिशन किया, पेज नंबर वो सेक्शन नंबर 1, ये सेक्शन नंबर 1-2-3 3 पॉइंट, सेक्शन नंबर 2.2 में ये सेक्शन एडिट किया, ऐसा हम लोग इधर लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो एडिशन हो गया सेकेंड पॉइंट रिविजन के लिए, कभी कितना भी कितना बार क्लाइंट को सबमिट करके रिविजन किया और कंसेशन चेंजेस का अपना काम के हिसाब से कुछ चेंजेस आए तो डॉक्यूमेंट रिवाइज करना है, तो डॉक्यूमेंट कब रिवाइज करना है डिटेल हम दूसरे एक वीडियो में बताएंगे। तो सेकेंड जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो एक टेबल टोटल डॉक्यूमेंट में इसको लिस्ट आउट करना है, ये डॉक्यूमेंट में क्या कंटेंट है, मतलब 1-2-3-9 है, सिंपल एग्जांपल डेफिनेशन टर्म्स एंड कंडीशन पर्पस एंड स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट कंट्रोल, अपने डॉक्यूमेंट कुछ प्राइवेसी है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना चाहता है उधर डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स और कुछ रेफरेंस है स्टैंडर्डाइजेशन का और कुछ क्लाइंट प्रोसीजर का डिटेल यहाँ लिख सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो आदमी काम करे उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्सेस और मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर, मेथड स्टेटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट है मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर, यहाँ हम लोग को पता चलेगा किस मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस स्टेप बाई स्टेप मेथड क्या है यहाँ लिखा होगा, प्लस क्वालिटी कंट्रोल्स एंड सेफ्टी कंट्रोल्स। इसमें जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है, जनरली हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट और रिक्वायरमेंट रखता है, एक सिंपल फॉर्मेट इसको आप एडिट करके आपका तरफ में बना सकते हैं, और अपेंडिक्स ए ड्राइंग अटैच किया जाता है, अपेंडिक्स मतलब अटैच, ये डॉक्यूमेंट का पीछे जो अटैचमेंट रहता है रेफरेंस अटैचमेंट रहता है, यहाँ ऐसे अपेंडिक्स करके लिख सकते हैं। सो अपेंडिक्स ए में ड्राइंग लिखा हुआ है, अपेंडिक्स बी रिस्क असेसमेंट एंड मैट्रिक्स लिखते हैं, अपेंडिक्स सी जॉब सेफ्टी एनालिसिस, मैं पहले बोला था ये मेथड स्टेटमेंट है, मेथड स्टेटमेंट के साथ साथ में रिस्क असेसमेंट भी सबमिट करता है, अगर इसके साथ साथ आप जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाया ये भी अटैच करके सबमिशन करता है अप्रूवल के लिए। चलिए देखेंगे दूसरा पेज में क्या है। सो यहाँ 101 अब्रीविएशंस, सो इसका कंपनी का क्लाइंट का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम और कुछ दूसरा कंपनी है उसका भी नाम लिख सकते हैं, अगर जॉइंट वेंचर है उसका भी काम लिख सकते हैं। तो इधर जैसे HSE एनवायरमेंटल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंटल क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल्स, जो इसमें ये डॉक्यूमेंट में हमने कोई क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना है, मतलब कोई क्लाइंट का अलग अलग डिपार्टमेंट का आदमी लोग डॉक्यूमेंट रिव्यू करता है तो कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिखता है तो उसको मालूम होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म किसका मीनिंग कर रहा है, क्या मीनिंग होता है इसका। तो यहाँ अब्रीविएशन में पूरा डिटेल्स, जहाँ जहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है उसका पूरा शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखना है, प्लस उसका अब्रीविएशन उसको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, QC हम लिखा है क्वालिटी कंट्रोल, सो ऐसा सब सामने को लिखना है, HSE हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो उसको हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंटल, सो रिव्यू करने वाला आदमी को ईजी रहेगा इसका मीनिंग समझने के लिए, नहीं तो बार बार और रिटर्न करते रहेगा ये डॉक्यूमेंट और डिस्क्रिप्शन क्या है। तो पर्पस ऑफ द स्कोप मेथड स्टेटमेंट इज टेक्निक मेथड टू इम्प्लीमेंट एट द रिसोर्सेज यूटिलाइज फॉर द कंसेशन फंड्स,
ये मेथड स्टेटमेंट बता रहा हूँ तो टेक्निक एंड मेथड हम एक ऑफेंस काम के लिए यूज कर रहे, क्या मेथड टेक्निक यूज किया जाता है इसमें बता रहा हूँ। ये पर्पस एंड स्कोप। डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स, सो मेथड स्टेटमेंट से कंट्रोल डॉक्यूमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सच एज दोज डिटेल इन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स मेंटेन बाय द डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ कंट्रोल डॉक्यूमेंट है, अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में लिख सकता है। आपको डॉक्यूमेंट कैसे कंट्रोल होना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको प्राइवेसी है, यहाँ लिख के भेजना चाहिए। ये मेथड स्टेटमेंट सारे रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है एक कंपनी का, तो आपको इस हिसाब से डॉक्यूमेंट कंट्रोल लिखना चाहिए। तो रेफरेंसेस, तो 4.0 में आएगा रेफरेंसेस। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल्स लिखता है, मतलब हम एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल्स होता है। डिलीवरेबल्स डॉक्यूमेंट्स पहले क्लाइंट को मत, वो लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कंपनी का इतना इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सेफ्टी प्लान, क्वालिटी प्लान, प्रोग्रेस प्लान, जो भी प्लान वो पहले रिक्वायर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल्स बोलता है। और सारे डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सबमिट करना चाहिए। तो वो डिटेल बताएंगे डिलीवरेबल्स क्या है, लिस्ट नॉर्मली कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, दूसरे एक वीडियो में बताएंगे। आपको कमेंट कर लेना कौन सा पार्ट आपको वीडियो देखना चाहता है। तो यहाँ रेफरेंसेस, अगर आप ये मेथड स्टेटमेंट हम बनाने के लिए, ये मेथड और स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम हम बनाने के लिए कहाँ कहाँ से हम रेफरेंस लिया है, द स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस सऊदी अरामको होगा, और सऊदी 700 हो सकता है, यार अमेरिकन हो सकता है, यूरोपियन हो सकता है, कोई भी क्लाइंट। अगर हम नॉर्मली एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वो कंट्री का, वो क्लाइंट का और क्लाइंट रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना होता है, तो वो पहला इम्पोर्टेंस देगा। वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम हमको इधर लिख सकता है, उस चैप्टर में कौन सा चैप्टर रिलेटेड है, हम इसमें फेंस का काम लिया, इसके लिए फेंस एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉन्क्रीट करना पड़ता है काम के लिए, कॉन्क्रीट फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट्स लिया, और सिक्योरिटी फेंस कैटेगरी इसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का एक चैप्टर लिया। ये सारे क्लाइंट रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें क्लाइंट के लिए हम सबमिट कर रहे हैं, तो वो लोग का स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, मटेरियल्स, क्वालिटीज, प्रोग्रेस एंड कंस्ट्रक्शन मेथड, ये सारे वो लोग का फॉलो करना चाहिए। प्लस इसमें साइट का हम दूसरा एक प्लान के साथ में इसको मर्ज करता है, उसी को इंक्लूड कर सकता है। सो ड्राइंग्स, आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या ड्राइंग्स होना चाहता है, उसको मेथड डिस्क्रिप्शन पार्ट्स बाई पार्ट्स इसको ड्राइंग इसमें ऐड कर सकते हो। फेंस का काम कंप्लीट करने के लिए फेंस का ड्राइंग, एक्सकेवेशन ड्राइंग, उसको मेथड इधर ड्राइंग में एड्रेस कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम फेंस काम के लिए पहले एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा, फिर फेंस पोल डालते हैं, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएगा, लेकिन शॉर्ट बताता उसका सारे ड्राइंग हमको इधर रेफरेंस नंबर ड्राइंग का नंबर इधर दे सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर रहे हैं उसको भी ऐड कर लेना, तो क्वालिटी प्लान, सेफ्टी प्लान, एनवायरमेंटल प्लान इसमें अटैच रेफरेंस डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर ऐड कर सकते हैं, अपना कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए, यहाँ ऐड कर सकते हैं और पैराग्राफ लिख सकते हैं और बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं। तो सेफ्टी इंजीनियर का लिख सकते हैं, सर्वेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचएससी स्टाफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा एचएससी स्टाफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखता है उसमें। मॉनिटर सेफ्टी सेफ्टी स्टाफ का हमेशा होता है, उसको कंस्ट्रक्शन टीम को असिस्ट करना है और मॉनिटर करना है, एडवाइस करना है, वही लिखना है हमेशा, उसको रिस्पॉन्सिबल फॉर कुछ काम के लिए नहीं लिखते हैं। अब सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी डिपार्टमेंट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्ट द कंस्ट्रक्शन टीम और मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवाइस द कंस्ट्रक्शन टीम, वी आर ओनली द एडवाइजरी टीम। सो क्वालिटी क्यूए क्यूसी के स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेफिनेशन एंड टर्म्स। सो हम कई कंपनी में अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है, इक्विपमेंट, प्लान एंड इक्विपमेंट्स, कई कंपनी में प्लान एंड इक्विपमेंट्स बोलता है, कई कंपनी में कुछ मशीनरी डिपार्टमेंट बोलता है, कई कंपनी में वर्कशॉप डिपार्टमेंट बोलता है, उसको सारे डिस्क्रिप्शन इधर लिखना है। इक्विपमेंट मीन्स क्या होता है, कॉन्क्रीट बोलते क्या है, स्टील रिइंफोर्समेंट क्या डिफाइन जाता है,
तो बार्गेनिंग शेड्यूल क्या डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर्म वर्क क्या कंपनी डिस्क्राइब कर रहा है, स्पेसिफिकेशन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसा डेफिनेशन एंड कई वर्ड्स का डेफिनेशन इधर लिख सकता है। आपका कंपनी का स्पेसिफिक कुछ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कुछ करना है यहाँ डिस्क्राइब कर सकता है। सो सेकेंड रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेस क्या यूज़ करने वाला है, वो फेंस काम कंप्लीट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करने वाला है, वो कॉन्क्रीट पम्प मिक्सर एक्सकेवेटर डम्प ट्रक वाटर ट्रक रोलर प्लेग कम्बाइटर वाइब्रेटर, इसमें कितना नंबर्स हम यूज़ करते हैं। 7.2 में वर्क फोर्स, इधर के लिए क्या डिपार्टमेंट वर्क फोर्स यूज़ करना है काम के लिए, साइट इंजीनियर सिविल फोरमैन क्वालिटी सर्वेयर ऑपरेटर इक्विपमेंट ड्राइवर्स कारपेंटर्स मैशन स्टील फिक्सर, कितना नंबर्स 1 2 3 4 और 3 फोरमैन है और सर्वेयर 1 है, इक्विपमेंट ऑपरेटर 10 है, मैशन लोग 5 है, स्टील फिक्सर 2, ऐसे ऐड कर सकते हैं। परमानेंट मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, सो मटेरियल जो टाइप का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, परमानेंट मटेरियल का प्रोसेस है, अगर हमें मटेरियल इक्विपमेंट हमको यूज़ करना है कई कंपनी को क्लाइंट का मटेरियल यूज़ करने के लिए, सही तो कंसेशन मटेरियल परमानेंट कंसेशन मटेरियल ऑर्डर करने से वो अपने इंस्टॉल करके फिनिशिंग क्वालिटी अप्रूवल होने तक हमको अप्रूवल चाहिए, मतलब पहला ये मटेरियल ऑर्डर करने के लिए अप्रूवल चाहिए, मटेरियल आने के बाद में इंस्पेक्शन चाहिए, उसके बाद में मटेरियल साइट में इंस्टॉल करना है, फिर बाद में इंस्पेक्शन चाहिए, ये प्रोसेस यहाँ लिख सकते हैं। मटेरियल का वो प्रोसेस कैसे ऐड करना है इधर लिख सकते हैं। द ऑल मटेरियल यूज परमानेंट वर्क विल बी कम्प्लाई लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर मटेरियल अप्रूवल विल बी सबमिटेड एंड सच अप्रूवल सॉट एंड रिसीव्ड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मटेरियल इनटू वर्क, मतलब हम साइट में यूज करने से पहले मटेरियल को अप्रूवल चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए इंस्टॉल करने से। सो क्वालिटी कंट्रोल विल टेस्ट विल बी परफॉर्म्ड एज रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन टू एंश्योर द कॉम्प्लायंस प्रायर टू एनी मटेरियल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्क। काम को यूज करने से पहले अपना क्वालिटी डिपार्टमेंट को टेस्ट करना है मटेरियल क्वालिटी, जैसा परमानेंट मटेरियल इक्विपमेंट्स का क्वालिटी मेंशन कर सकते हैं। कई कंपनी मटेरियल हो सकते हैं इक्विपमेंट हो सकते हैं, जो भी है इसको फॉलो इधर लिख सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट का क्या मटीरियल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से यहाँ ऐड कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है 9, तो यहाँ मेथोडोलॉजी लिखा होगा, एक फेंस काम कंप्लीट करने के लिए मेथोडोलॉजी होगा एक्सकेवेशन वर्क्स। सो पहले एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट करना है फेंस का काम के लिए, तो एक्सकेवेशन वर्क का डिटेल लिखना है। तो सेकंड हम जाते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ स्टील पाइप पोस्ट, थर्ड जाता है बैकफिलिंग एंड कॉम्पैक्शन, फिर जाता है कॉन्क्रीट ग्रेड बीम, फिर जाता है कॉन्क्रीट कोटिंग। सो नेक्स्ट जाता है इंस्टॉलेशन ऑफ चेन लिंक एक्सेसरीज, नेक्स्ट काम क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ फेंस। इतना ही प्रोसेस होता है एक फेंस कंप्लीट करने के लिए। ये सेम मेथोडोलॉजी अगर हम रिस्क असेसमेंट रिव्यू करता है इसका सेम प्रोसेस में ऐड करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर, वहाँ रिस्क असेसमेंट 01 एक्सकेवेशन काम आएगा, तो उसको रिस्क असेसमेंट डिटेल हम एक वीडियो बनाएंगे, इसके रिलेटेड एक वीडियो आप सब्सक्राइब कर लेना, तो वेट कर लेना नेक्स्ट वीडियो के, तो कमेंट कर लेना आपको कौन सा पार्ट डाउट है, कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ, हम इसके लिए रिप्लाई देने तैयार हैं। चलिए इतना स्टेप हम बताएंगे। सो फिर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, आपको क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इसके क्या रेफरेंस डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ क्वालिटी प्रोजेक्ट क्वालिटी कंट्रोल प्लान होता है क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के लिए, तो उसको टेस्ट प्लान और कुछ प्रोसीजर कुछ है उसको भी इधर ऐड कर सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान्स, सो यार हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंट रिलेटेड को भी डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्लीकेबल है, इधर आपको लिख सकते हैं नाम विथ नंबर फॉर्म डॉक्यूमेंट नंबर के साथ। चलो इसमें जाएंगे अपेंडिक्स सेक्शन में, पहले बोला अपेंडिक्स बी और ए सम सेक्शन बोला था, यहाँ उसको फेंस का ड्राइंग लिखा हुआ है, फेंस है फेंस डिटेल्स का, इसके लिए ऐसा ऐड कर सकते हैं। इसका असेसमेंट सेपरेट डॉक्यूमेंट है, जैसे भी सेपरेट डॉक्यूमेंट है तो उसको मैं अलग से दिखाएंगे आपको, जो भी अपेंडिक्स ऊपर लिखा है उसको अपेंडिक्स को इधर ऐड कर सकते हैं। चलिए इतना ही है हमको मेथड स्टेटमेंट के लिए कंटेंट। तो मेथड स्टेटमेंट का काम होता है सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर सेफ्टी मैनेजर का काम नहीं है मेथड स्टेटमेंट बनाने के लिए, मेथड स्टेटमेंट बनाने का काम होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। वो लोग मेथड स्टेटमेंट बनाएंगे
और ज्वाइन में थर्ड स्टेट में आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट ज्वाइनली इसको बनाए किया जाता है। सो सेकंड जाता है रिव्यू। रिव्यू से एचएससी डिपार्टमेंट होता है, एचएससी डिपार्टमेंट भी रिव्यू होता है, सेकंड क्वालिटी डिपार्टमेंट भी रिव्यू होता है और फाइनल अप्रूवल प्रोजेक्ट मैनेजर्स। सो इन मेथड में कुछ भी रिविजन है, मेथड में कुछ भी चेंजेस है, तुरंत हमको मेथड स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाहिए। मेथड में कुछ भी चेंजेस है, टेक्निक कुछ भी चेंजेस है, प्रोसीजर कुछ भी चेंजेस है, आपको तुरंत मेथड स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाहता है और रिस्क असेसमेंट भी रिवाइज करना चाहता है। इनकेस कुछ चेंजेस और मेथड में उसमें रिस्क असेसमेंट में आ रहा है, रिस्क असेसमेंट भी रिवाइज करना है। रिस्क असेसमेंट दूसरा वीडियो में ऐड करेंगे। चलो दोस्तों आज इतना ही है वीडियो के लिए। तो कोई भी अपना वीडियो पहली बार देख रहे सब्सक्राइब कर लेना और कुछ भी डाउट है इनबॉक्स में कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। तो दूसरे सोर्स वीडियो के साथ मिलेंगे। गुड बाय।